सबसे पहले महराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर है, घी की तरह जमे निकले विटामिन ए के सिरप। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की ओर से भेजा गया था सिरप। सैंपल के लिए करीब 100 बोतल सिरप लखनऊ भेजा गया। यूपी में बच्चों को विटामिन ए देने का अभियान चल रहा है। शिकायत के बाद एक ही बैच नंबर के सिरप पर रोक लगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं महराजगंज से। ये बड़ी खबर है, घी की तरह जमे हुए निकले विटामिन ए के सिरप। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की ओर से ये सिरप भेजा गया था, जिसको लेकर खबर ये है कि घी की तरह जमे हुए विटामिन ए के ये सिरप निकले। सैंपल के लिए करीब 100 बोतल सिरप लखनऊ भेजा गया। यूपी में दरअसल बच्चों को विटामिन ए देने का अभियान चल रहा है और इसी बीच ये मामला सामने आया है। शिकायत के बाद एक ही बैच नंबर के सिरप पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त महराजगंज से बता रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जो दवाइयाँ यहाँ आती हैं उसका एक बार सैंपल के लिए भेजा जाता है, जब लखनऊ से ओके हो जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है CSCPSC। लेकिन ये सैंपल वहाँ से ओके होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, CSCPSC भेजने के बाद ये पता चला कि जो है बोतल में दवाइयाँ जमी हुई। इसकी सूचना जो है उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को दे दी गई थी, जिसके द्वारा फिर से जो है सैंपलिंग के लिए 100 बोतल मांगा गया, जिसको दे दिया गया। जानकारी के लिए अमित इस वक्त महराजगंज से जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, ये पूरा मामला क्या है और क्या अपडेट है इन सिरप को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बीते 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए ले गए अभियान चलाया जा रहा था, जिसके क्रम में स्टेट यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से विटामिन ए का सिरप भेजा गया था। ये महाराजगंज में भी विटामिन ए का सिरप 6260 पीस भेजा गया था और इसको महाराजगंज के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से CSC और PSC में डिस्ट्रीब्यूट भी करा दिया गया था। लेकिन जब इसको खोला गया और ये देखा गया कि ये क्या घी की तरह जमा हुआ था, जिसके बाद इसकी शिकायत ये क्या स्टेट यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन क्यों की गई, तो उसके बाद यहाँ से फिर से एक बार उस क्या सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और 100 पीस फिर से एक बार कुरियर के माध्यम से लखनऊ भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही स्वास्थ्य विभाग को दिखने को मिल रही है कि समय रहते अगर नहीं स्वास्थ्य विभाग सचेत हुआ होता तो वो जो सिरप था वो बच्चों को पिलाए जाने के लिए क्या CSCPSC में भेज दिया गया था, लेकिन चूंकि घी की तरह जमा हुआ था और उसके बाद इसकी शिकायत तुरंत स्वास्थ्य विभाग ने दे दी, उसके बाद इसको भेजा गया। अब ये कहा जा रहा है कि जांच के बाद ही। ठीक है अमित, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। इस वक्त मयूर भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों को विटामिन ए देने का अभियान चल रहा है और इसी बीच ये सिरप की बॉटल्स, जिनमें ये बताया जा रहा है कि घी की तरह पिघले हुए हैं ये सिरप, एक बड़ी लापरवाही से कहा जाएगा मयूर? बिल्कुल, ये लापरवाही तो है, इसी के साथ ये बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है और बच्चों के साथ इस तरीके की लापरवाही। 28 दिसंबर से ये अभियान चल रहा था कि प्रदेश भर के बच्चों को विटामिन ए की खुराक देनी है, उसके बाद जब ये खुराक देने के लिए जब जिलों में जाती है और खासतौर के आगरा, महाराजगंज समेत कई हम जिलों की बात करें, वहां से शिकायत आती है कि ये बिल्कुल घी की तरह जम गया है। जब आप ढक्कन खोल के इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सिरप बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो ऐसे में जब ये शिकायत की गई तो सभी CMO को बोतलें वापस मंगाने का आदेश दे दिया गया है। अब जिलों में स्टेट यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जरिए ये सारी सिरप भेजी गई थी, अब इसमें गड़बड़ी पाई गई है, तो इस पर जांच भी जरूर होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि बच्चों के हेल्थ के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की, ये जमी हुई सिरप दे दी गई उसमें गड़बड़ी पाई गई। हालांकि समय रहते मयूर फिलहाल सिरप पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी आगे की कार्रवाई को लेकर कोई जानकारी सामने आई? किस तरह से अब आगे कार्रवाई बढ़ रही है इस मामले को लेकर? नहीं बिल्कुल, देखिए शिकायत जरूर की गई है और अभी विभाग में भी ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हालांकि डिप्टी CM तक इस मामले को जरूर संज्ञान उनको लेना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार दौरे भी प्रदेश भर में करते रहते हैं, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ये जो लापरवाही है, अब जो सिरप वापस आ गई है तो वो वापस जो है कितनी जल्दी वापस बच्चों के पास जाती है, क्योंकि जो सिरप वापस हो गई तो अब उनका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा, यानी कि उनकी जगह पर दूसरी सिरप भेजनी है। तो ठीक है मयूर और ठीक है अमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।